नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा पुरवाल हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में किडनी और किडनी ट्रांसप्लांट की एडिशनल डायरेक्टर हूँ। किडनी की बीमारी बहुत ही अलार्मिंग स्पीड से अक्रॉस द ग्लोब बढ़ रही है। इस बीमारी के ज्यादातर सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं और वो उस समय प्रेजेंट करते हैं जब किडनी की बीमारी ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस में होती है। सबसे मुख्य सिम्टम्स होता है इजी फटिगेबिलिटी। पेशेंट को हमेशा थकान महसूस होती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, बार बार वॉमिटिंग या नौशिया होता रहता है। इसके अलावा पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया या फिर ब्लड टेस्ट किसी और बीमारी के लिए कराए तो उसमें यूरिया और क्रिएटिनिन का बढ़ा मिलना, यूरिन में प्रोटीन और ब्लड का लीकेज होना, इसके साथ साथ शरीर में सूजन का प्रेजेंट होना, स्पेशली फेस पे सूजन जो मॉर्निंग आवर्स में आती है, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी का कम या ज्यादा होना, इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल रहने लगना, ये कुछ सटल सिम्टम साइंस होते हैं जो किडनी की बीमारी को बताते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को नींद ना आना, हड्डियों में कमजोरी आ जाना, शरीर में खुजली का बने रहना या फिर मसल्स में क्रैम्प, ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो किडनी की बीमारी को इंडिकेट कर सकते हैं। हमें किडनी की बीमारी से बचने के लिए इन सारे सिम्टम्स को ध्यान में रखना है। यदि आप समय पर इन जांच को करा लेते हैं और समय पर डायग्नोज हो जाती है किडनी की बीमारी, तो किडनी को सेव काफी हद तक किया जा सकता है। थैंक यू।